खरगोन जिले के भिकनगांव में मतदान केंद्र क्रमांक 66 पिंक बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके चलते करीब एक घंटे तक मतदान रुका रहा। इस दौरान कई मतदाता वापस लौट गए। मात्र 26 वोट ही डाले गए थे। मौके पर पहुंचे मनीष जैन ने बताया कि तकनीकी दिक्कत से मशीन बंद हुई थी, ईवीएम मशीन बदल दी गई है, मतदान वापस शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों में विशेषकर महिला और मौके पर पहुंचे एक विकलांग ने परेशानी के चलते नाराजगी व्यक्त की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो क्या अभी परेशानी हो रही? हाँ, मशीन खराब हो गई, इसलिए बैठे हैं। अच्छा, बैठे हुए। मशीन फिर काम हो जाएगा और मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? नंदराम। निर्विघ्न संपन्न चुनाव हो रहे हैं। अभी अभी जो इंजीनियर को बुलाया था, बेल इंजीनियर को, उनका कुछ कहना है कि लाइट फ्लक्चुएशन के कारण मशीनों को, एक मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन का कोई टेक्निकल इशू था। वो टेक्निकल इशू के कारण उन्होंने अपनी मशीनों को चेंज कर दिया है और जितने वोट के बाद दूसरी मशीन लगी उसमें भी निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। कई मतदाता वापस चले गए। मैं अभी देख रहा हूँ कि अंदर और क्या इशू है। कोई इशू नहीं है तो फिर मैं आपको विस्तार से मनीष जैन। आप क्या है सर? मैं नायब तहसीलदार भी कर रहा हूँ। एक घंटा भर होगा मशीन चालू नहीं हुई है। हम मजदूरी वाले हैं तो मजदूरी करने तो जाना पड़ेंगे। 9 बजे जाएंगे तो हमको तो भगा देंगे ना। अभी भी तो टाइम होगा है ना, 9:30 बज गई है। तो कहाँ जा रहे हो? हाँ, वापस जा रहे हैं घर पे। वोट नहीं डाल रहे? तो नहीं डालेंगे, जब हमको फुर्सत मिलेगी जब आएंगे। क्यों नहीं डालेंगे वोट? वोट तो डालना है हमको। नहीं नहीं, अभी क्या परेशानी आ रही है? आप वापस जा रहे हो? मशीन खराब है, मशीन चालू नहीं कर रहे है। तो आप वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जाएंगे ना। क्यों वापस जा रहे? क्यों जा रहे हो वापस? तो फिर क्या करेंगे यहाँ खड़े खड़े? अच्छा अच्छा। हाँ भाई, हमको तो मजदूरी का एक घंटा तो फर हो गया। क्या नाम है आपका? बुद्धि भाई, वार्ड नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।